हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट कम्पिटिटिव एकेडमी। और माय नेम इज विशाल, आई एम वर्किंग हेयर बायोलॉजी फैकल्टी। जैसा कि आपने जो है टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी आपके जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गए, आपके पास जो है एनिमल्स हो गए, तो उन सबको जो है क्लासीफाई किया जाता है, उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि वर्गीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं, और किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, उसको जो है कैटेगरी में रखना। ठीक है, अब इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो अर्थ है, अर्थ प्लेनेट के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारी जो है स्पीसीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, या फिर बैक्टीरिया की है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। तो एस्टिमेटेड जो है 2 मिलियन जो है स्पीसीज़ हैं आपके पास जो है यहाँ पर अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम उनको जो है वो सेपरेटली जो है वो सारी की सारी स्पीसीज को जो है स्टडी कर सके, सारी की सारी स्पीसीज को क्लासीफाई किए जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो कौन सा जो है मेथड यूज़ किया गया, क्लासिफिकेशन का मेथड यूज़ किया गया। बाय द क्लासिफिकेशन हम जो है सारी की सारी स्पीसीज को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसके थ्रू हम जो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो इसकी ब्रांच भी है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। कौन सी ब्रांच है? दैट इज टैक्सोनॉमी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज की कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आप किसी भी स्पीसीज की जो है, मान लो कि आप प्लांट की ही कोई स्पीसीज है, उसकी जो है क्लासिफिकेशन आपने करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नंबर टू, आपको जो है क्या किया जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमनक्लेचर। ठीक है, नॉमनक्लेचर के बाद क्या होगा? फिर उसको जो है क्लासिफाई किया जाएगा, किसके करैक्टर्स जो है किसके साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट्स, हम जो है यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी का। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद जो है नॉमनक्लेचर, मतलब कि उसका नाम रखना है, नामकरण उसका हमने करना है। तो उसका नाम अगर मेल होगा तो आदित्य भी हो सकता है, फीमेल हुआ तो रितिका भी हो सकता है। तो नॉमनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? नेम रखना किसी चीज का। ठीक है, बाद में क्या होगा, नेम रखने के बाद जो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि उसका बिहेवियर उसके चाचा के साथ कैसा है, उसके करैक्टर उसके चाचा के साथ मिलते हैं, उसके पापा के साथ मिलते हैं, उसकी मम्मा के साथ मिलते हैं, तो ये सारा का सारा जो है हमारा क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, बायोलॉजी की ही बात करते हैं, बायोलॉजी की दो है, दो ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि डील करती है, स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली ब्रांच आती है आपके पास बॉटनी, सेकंड जो ब्रांच आती है वो आती है जूलॉजी। बेटा ध्यान में रखना, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहीं से बन जाता है कि हु इज द फादर ऑफ द बायोलॉजी,
एंड बट आर द ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, तो फादर जो है हमारे पास बायोलॉजी के वो है एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। अब यहां पे देख लीजिए, बॉटनी के फादर जो है अलग हैं। बॉटनी के फादर कौन से हैं? थियोप्रिस्टस। और जूलॉजी के फादर जो है वो एरिस्टोटल ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बायोलॉजी के ऊपर किसने काम करना स्टार्ट किया था? एरिस्टोटल जी ने जो है काम करना स्टार्ट किया था, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमारे बीच में लाया था। तो देखिए, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन कैसे जो है इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल जी ने क्या किया, इन्होंने जो है अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन किया, किस चीज का, ऑर्गेनिजम्स का जो है क्लासिफिकेशन किया। अब इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को जो है क्लासिफाई किया किस किस चीज में, ध्यान में रखेंगे की पॉइंट्स हैं ये क्लासिफिकेशन के। इन्होंने प्लांट्स को जो है वो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स की कैटेगरी में जो है प्लांट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, और एनिमल्स को जो है इन्होंने जो है वो किस कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई किया। तो एनिमल्स को जो है इन्होंने दो कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई किया। एक तो इन्होंने बोला जी कि रेड ब्लड, ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी इन्होंने बताई विदाउट रेड ब्लड। विदाउट रेड ब्लड। अब देख लीजिए, रेड ब्लड की कैटेगरीज में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास हैं मैमल्स आ गए, फिर कौन आएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे। हाँ राइट, दैट इज लिजर्ड्स। और कौन से आएंगे, बर्ड्स, फिश। ठीक है, ये वो एनिमल है जिनकी बॉडी में क्या होता है, रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है मैमल्स में भी जो है रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, लिजर्ड्स में भी रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में भी जो है वो रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, फिशेस में भी जो है आप देखते हैं रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब दूसरे जो एनिमल्स आते हैं हमारे पास, उनकी बॉडी में क्या होता है, रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। वो दो कैटेगरी में होते हैं। नंबर वन पे आएंगे आपके पास हार्ड बॉडीड एनिमल्स एंड सेकेंड वन आएंगे आपके पास सॉफ्ट बॉडीड। ठीक है, अब इनमें भी जो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, हार्ड बॉडीज जो रहते हैं हमारे पास वो कौन से रहते हैं, दैट इज द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है, बट जो सॉफ्ट बॉडीड जो हमारे पास एनिमल्स आते हैं इनमें जो है दो कैटेगरी आ जाती है फिर से। एक आते हैं आपके पास सेल, जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है, और दूसरे जो आते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, कोई भी सेल जो है प्रेजेंट नहीं होता है। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है मैं आपको बताऊंगा यहां पे। सबसे पहला जो है सेल में क्या आता है, सेल फिश। सेल आप समझ लीजिए, जैसे आपने जो है देखा होगा स्नेल्स जो होती हैं बरसात के मौसम में, आपने देखा होगा स्नेल्स, तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, बना होता है एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स सॉफ्ट बॉडी में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनकी बॉडी में क्या होगा, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होगा, और वो कौन से आते हैं, दैट इज द जेलीफिश। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना
कि हमारे पास जो है उसके बाद जो है किसने काम किया, ठीक है। एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया, इन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स को जो है इन्होंने तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया, ट्रीज हो गए आपके पास, श्रब्स हो गए आपके पास, हर्ब्स हो गए, ठीक है। और एनिमल्स को जो है इन्होंने दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर दिया, रेड ब्लड एनिमल्स और विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स। तो रेड ब्लड एनिमल्स की कैटेगरी में हमारे पास जो है मैमल्स आएंगे, फिर आप हमारे पास जो है यहाँ पे लिजर्ड्स आएंगी, बर्ड्स आएंगे, फिश आएगी, ठीक है। और हार्ड बॉडी सॉरी फिर विदाउट रेड ब्लड जो हमारे पास एनिमल्स रहते हैं, इनमें भी इन्होंने दो कैटेगरीज और बता दी हमें। एक तो आपके पास जो है हार्ड बॉडीज, जिनकी हार्ड बॉडीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की बॉडी कैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। और सॉफ्ट बॉडी जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो है एक के बॉडी के ऊपर जो है सेल लाइक जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और दूसरे के होते हैं नो सेल, जिनकी बॉडी के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेल में क्या आएगा हमारे पास, सेलफिश आएगी, और नो सेल में हमारे पास क्या आएगा, जेलीफिश आएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ गया जी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। अब कमेंट में बताएंगे जल्दी से कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किसने दिया था। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो लीनियस ने प्रपोज किया था, ठीक है। और कब किया था, 1758 में किया था, याद रखना भैया। किसने किया था, लीनियस। और कब किया था प्रपोज इसने, 1758 में। और इसने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को किसमें क्लासीफाई किया था, दो किंगडम इसने हमें दे दिए थे, कौन कौन से थे वो। नंबर वन पे है आपके पास प्लांटिया, एंड नंबर टू पे है आपके पास दैट इज एनिमेलिया, ठीक है। किसने दिया था हमें टू किंगडम सिस्टम, हमें टू किंगडम सिस्टम दिया था लीनियस ने, कब दिया था, 1758 में, ठीक है। तो दो कैटेगरी में जो है इसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, प्लांटिया और एनिमेलिया में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यहाँ पे जो है NDA, NEET, JEE और फाउंडेशन क्लासेस जो कि 6 से लेकर 10 तक चलती हैं, सारे के सारे बैचेस जो है रन हो चुके हैं। आप जल्दी से जो है वो नीचे गए नंबर के ऊपर कॉल करके जो है एनरोल कर सकते हैं, या आपकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कोई क्वेरीज हैं तो हमारे मेंटर्स जो हैं वो आपके लिए हेल्प करेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स।